हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे और मुझे मिस कर रहे होंगे ना। तो यहाँ पर हो रही है घर जाने की तैयारी, यानी कि मायके जाने की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पर मेरे सारे बैग पैक हो गए हैं और सर्दियों का मौसम है तो बैग ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि एक बैग में मेरे कपड़े, एक में आयान के कपड़े, एक में नंदनी के कपड़े, तो बहुत सारे बैग हो गए हैं गर्म कपड़ों की वजह से। यहाँ पर हो रही है हमारी निकलने की तैयारी और आज यहाँ पर मौसम भी काफ़ी ठंडा है, क्योंकि रात में काफ़ी तेज़ बारिश हो गई है और रास्ता भी काफ़ी लंबा है। आगरा से महोबा लगभग 450 किलोमीटर है और आधे रास्ते के बाद में तो रास्ता भी बहुत ख़राब है, बहुत उबड़ खाबड़ रास्ता है। और आज हमारे आयान भी थोड़ा परेशान करते रहे, क्योंकि इनको हल्का सा कोल्ड हो रहा है, तो रात में आयान सोए नहीं है, क्योंकि बच्चों का थोड़ा सा ही जैसे मौसम चेंज हुआ, पानी हवा कुछ भी चेंज हुआ तो कुछ ना कुछ चेंज आता ही है। तो कल दवा भी लेके आई थी फिर, और रात में इनको थोड़ा सा फिर बिक्स की भाप दी और थोड़ा सा बिक्स इनके पैरों वैरों में मला, दवा दी, तब इनको आराम है अब थोड़ा। और नंदनी को भी बहुत जल्दी जगा दिया था, तो मैंने अयान के खाने की पानी वानी की व्यवस्था कर दी, क्योंकि ये बॉयल पानी पीता है, और जल्दी से ही लंच भी बना लिया रास्ते के लिए, खाने के लिए थोड़ा सा ही लेके आए, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं था बनाने के लिए। ड्राइवर चेंज हो गए हैं, वो ड्राइवर थक चुके हैं तो बाहर टहलने गए हैं। मास्क लगा के गाड़ी चढ़ाओगे मास्क लगा के चलाओगे गाड़ी। तो हम लोग पहुंच गए हैं झांसी, थोड़ा सा ब्रेक लिया है, और ये झांसी के पास में ही पड़ता है ओरछा, और ओरछा घूमने की बहुत अच्छी जगह है। ये ओरछा की नदी है, यहाँ पर ना बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। एक बार तो मैं भी यहाँ पर घूमने आई थी, लेकिन यहाँ तो अभी मैं सिर्फ नदी दिखा सकती हूँ आप। और दोस्तों, अब हम पहुंचने वाले हैं महोबा, बिल्कुल पास में ही है, 60-70 किलोमीटर है यहाँ से, क्योंकि ये है मोहरानीपुर, जो कि महोबा के पास में पड़ता है। बहुत सारे हो सकते हैं हमारे दोस्त मोहरानीपुर के भी हो, मैंने कहा इसलिए बता दें। वैसे तो रास्ते में बहुत सारी जगह पड़ी, लेकिन रास्ता इतना लंबा था कि हर जगह का वीडियो तो नहीं बनाया। और ये पहुँच गए हम आला उदल की नगरी, यानी कि महोबा। महोबा हिस्ट्री में इतना फेमस है, सभी जानते हैं। और ये हमारे यहाँ का रिवाज है कि जब भी कोई बहू या बेटी अपने मायके से या ससुराल से कहीं से आती है, तो ये सर के ऊपर से पानी उतारते हैं। मम्मी जो अभी लोटे में लेके पानी उतार रही थी, तो जब भी कोई आता है तो ऐसा करते हैं। और अभी तो एक साल के बाद आई हूँ, तो काफ़ी चेंज लग रहा है सब कुछ, क्योंकि काफ़ी दिन बाद मिलते हैं तो बहुत कुछ बदला बदला सा लगने लगता है। और ये सबने मिलके बहुत ही सुंदर फूलों की रंगोली बनाई है, ये देखिए हर्ट बना हुआ है, रंगोली बनी हुई है। और ये है मेरी भतीजी, जब मैं पहले आई थी बहुत छोटी सी थी, दोनों ही बहुत छोटे छोटे से थे, आयान भी छोटा था, ये भी छोटी थी, और बड़े खुश हो रहे हैं दोनों, माला पहन के दोनों ही हाथ पकड़ पकड़ के घूम रहे हैं। जब से आयान तो इतना खुश है, बाबू बाबू करते हुए पूरे घर में उसको घुमा रहा है। और यहाँ चल रहा है इनका चाय नाश्ता और दामाद वाली फीलिंग्स। और काफ़ी दिनों के बाद आई हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि पापा की आँख का ऑपरेशन हुआ, तब भी मैं नहीं आ पाई, सब लोग आए थे, क्योंकि पापा की आँख का बड़ा ऑपरेशन हुआ था, बहुत दिक्कत हो गई थी उनके आँख में, पूरा खून सा छा गया था, मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा था उनको आँख में। और यहाँ पर बस वही सब बातें हो रही हैं, और ये देखिए, और यहाँ पर मैं, मम्मी और भाभी चाय पीने में लगे हुए हैं, बातें भी चल रही हैं हमारी, क्योंकि फ़ेस टू फेस बातें तो बहुत दिनों के बाद हो रही हैं, वैसे होती रहती थी फ़ोन पे, इतनी बातें कहाँ होती हैं। और यहाँ पर कर रही हूँ मैं इनका टीका, क्योंकि भाई का और भाभी का, भाभी का तो पहली बार ही कर रही हूँ, शादी के बाद से पहली बार ही मुझे करने को मिला है, तो भाभी भी बहुत खुश हो रही है, और है भी बहुत क्यूट सी है। वैसे तो मैं नाम भी लेती हूँ क्योंकि छोटी है, लेकिन भाभी भी बोल देती हूँ। और ये अयान लाए हैं अपने, नहीं
अयान अपनी सिस्टर के लिए, गुंजन के लिए लाए हैं चॉकलेट और हम लाए हैं मिठाई। तो ये लोग मिठाई खाएंगे, वो लोग चॉकलेट खाएंगे। और अब नंदनी और गुंजन करेंगी आयान का टीका। और अब हमें भी बहुत तेज भूख लगी हुई है क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, शाम के 5 बज गए हैं। और जो टिफ़िन लेके आई थी, तो लेके तो आ जाती हूँ लेकिन रास्ते में खपता नहीं है, बिल्कुल भी खाना नहीं खपता है, वैसे ही बहुत अजीब सा हो जाता है। और यहाँ पर ये देखिए इनके नखरे, ये टीका नहीं लगवाता है, वहाँ भी नहीं लगवाता था टीका, वो ज़बरदस्ती लगा के ही रहेगी। तो ये हो रहा है इनका टीका, ये देखिए। तो इन्होंने तो कर दिया और गुंजन से तो बिल्कुल भी नहीं करवा रहा था, इसने तो ज़बरदस्ती पकड़ के जैसे तैसे कर भी दिया। और देखो ये जय जय कर रहे हैं, दीदी की पैर छूना भी सीख गए हैं ये, तो यहाँ पे इनकी जय जय हो रही है। और अब यहाँ पर गुंजन ने भी टीका किया है, तो ये दे रहे हैं अपनी सिस्टर को चॉकलेट। हेलो दोस्तों, ए वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो आशा करता हूँ कि आप सभी की दिवाली बहुत अच्छी रही होगी। और हम आ चुके हैं ससुराल, जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा। और ससुराल आकर देखिए, ये दामाद जी के अवतार में जन्म ले लिया है, ठीक है। तो अभी चलते हैं पूजा करने। नहीं नहीं, मेरी पूजा नहीं हो रही है, मेरी यहाँ हो चुकी है, मंदिर चलते हैं। हम भी पूजा करते हैं ना, हम भी कर लेते हैं पूजा। और चलिए चलते हैं, अब आपको कराते हैं महोबा का, चलिए करा लाते हैं सैर सपाटा। सैर सपाटा नहीं, ऐसी जगह घुमाने ले चलूँगी आप लोगों को जिसको देख के आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि मैं जब भी आती हूँ तो वहाँ पर ज़रूर जाती हूँ। अब देखिए, कल ही शाम को मैं आई थी और आज हम लोगों ने प्लान बना लिया है जाने का, और पूरी फैमिली जा रही है, जितने लोग बन गए हैं गाड़ी में। तो मेन सिटी से 20 किलोमीटर लगभग दूर हमें जंगल में जाना है, क्योंकि जंगल में ही है वो जगह घूमने वाली। लेकिन देख के दिल तो खुश हो जाएगा आप लोगों को कि इस जगह आप लोगों ने ला के बहुत अच्छा किया, तो मज़ा तो बहुत आने वाला है। तो चलिए चलते हैं। और हमारे अयान गाड़ी में आके देखिए कैसे सुस्त हो जाते हैं, बहुत मज़ा लेने लगते हैं, शांत हो जाते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब भले चंगे होंगे। और हम जा रहे हैं मदारण माता के मंदिर, और मंदिर जाते ही बीच रास्ते में जो जंगल वाला रास्ता है, यहाँ बीच में ही ये खंडा के बब्बा जू बोलते हैं, हनुमान जी का मंदिर है वैसे तो। तो यहाँ पहले हम लोग दर्शन करेंगे, यहाँ से फिर जाएंगे मदारण माता के दर्शन करने। तो अभी हम लोग कर रहे हैं पैकर्मा, ये देखिए हमारी पूरी जनता पार्टी पीछे आ रही है। और सबसे अच्छी बात बताए, जैसे ही हम लोग मंदिर में एंटर कर रहे थे तो सीढ़ियों में ही बहुत बड़ा सांप आ गया था, लेकिन मैं दिखा नहीं पाई क्योंकि मैं खुद डर गई थी। तो यहाँ से हम लोग हाथ पैर धुलते हुए जाएंगे हैंडपंप में, क्योंकि हमें ऊपर चढ़ाई करनी है। यहाँ पर 108 सीढ़ियाँ हैं गिनती की, तो हैंडपंप है नीचे, ऊपर भी पानी है, लेकिन यहीं से धोते हुए जाएंगे। और हम लोग आए हैं मदारण माता के मंदिर पे, यानी कि जो मैदानों की माता होती हैं वहाँ पर। तो ये है यहाँ की 108 सीढ़ियाँ। तो हम लोगों ने बीच में ब्रेक ले लेके चढ़ी थी, क्योंकि मम्मी एक साथ सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाती हैं, क्योंकि मम्मी का हार्ट का ऑपरेशन हो चुका है, तो उन्हें हाफी आ जाती है थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद में ही। तो हम लोग 3-4 ब्रेक के बाद ऊपर पहुँच गए हैं। और ये देखिए, इतने ऊपर आने के बाद एक सबसे अच्छी चीज़ मैं बताऊँ, बहुत ही अजूबा है ये। यहाँ पे ये जो आपको एक मुर्गा दिख रहा है, कॉक, ये यहाँ पर लगभग 6 साल पहले से है। जब भी मैं आती हूँ तो इसको यहीं पर देखती हूँ, सब जानते हैं, सब देखते हैं। और इतना घना जंगल है कि यहाँ पर शेर, चीता, बहुत सारे हिंसक जानवर रहते हैं, लेकिन कोई भी इसको नहीं खाता है, कोई भी नहीं खाता है, मतलब इसको कोई छू भी नहीं पाता है ये, क्योंकि ये माता का यहाँ पर रक्षक है, इसलिए कोई भी इसको नुकसान नहीं पहुँचाता है। और ये हो गई यहाँ पर परिक्रमा हमारी, और यहाँ से पूरा महोबा शहर दिखता है, इतना ऊंचा पहाड़ है यहाँ पर।
लेकिन जो मेन मंदिर है आपको अगल बगल इसमें छोटे छोटे मंदिर मिलेंगे रुकने के लिए, धर्मशाला, लोगों के पानी से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए सब कुछ है। लेकिन जो मेन माता का मंदिर है जहाँ पर मैं बैठी हुई हूँ, यहाँ पर कोई भी छत नहीं है और ना ही माता यहाँ पर छत चाहती हैं, क्योंकि वो है ही मैदानों की माता, इसलिए वो मैदान में खुले आसमान के नीचे रहती हैं। और यहाँ पर इतने दिनों के बाद आने के बाद बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून सा मिलता है। और ये रही यहाँ पर मोर, मोर तो बहुत सारी हैं यहाँ पर। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड कर लें, बहुत शाम भी हो गई है, लौट के वापस जाना है। मिलती हूँ नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ में, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और आप लोगों ने भी दर्शन कर लिए होंगे। तब तक के लिए बाय बाय।